नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं डिग्री पार्ट थ्री की जिनका एक्सेशन 2019 से 22 है, उन सभी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिलअप हो रहा था, उनका जो वेबसाइट था वो आपको बंद कर दिया गया था, वो काम नहीं कर रहा था सही से, इसलिए बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अभी कुछ मिनट पहले वेबसाइट आपको फिर से आप लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। तो उस वेबसाइट को ओपन किया गया, उसमें जो मैं चेक किया हूं तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ चेंज हो गया, मैं आपको सारी जानकारी एक एक करके बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय के आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि आप जो पहले जो रोल नंबर डालते होंगे तो कुछ ऐसा ही इस बार भी रोल नंबर डालिएगा। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट का है पहले रोल नंबर फिलअप कीजिएगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी वेरीफाई करके आपको लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद दोस्तों कुछ आपको इंटरफेस जो मिल जाएगा उसमें दोस्तों मैं यहाँ पे करके देख लिया हूँ और ये पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको देख के बता रहा हूँ। ये पीडीएफ मैं डाउनलोड कर लिया हूँ और दोस्तों उसमें जो आप कीजिएगा सबसे ऊपर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऊपर में सबसे कोना में दिखाई देगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म करके आपको रेड कलर में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। उसके नीचे फिर आपको डिग्री पार्ट थ्री सेशन आपका 2022 वहां पे लिखा रहेगा। फिर आपको कोर्स, फिर आपको कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है सो कैटेगरी दिया रहेगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ये सब दिया रहेगा। अब जो आपको उसमें फॉर्म फिलअप जो करना है वो क्या सब करना है तो समझ ले दोस्तों। वहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ में आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे आपको DDMMYYY करके आपको दिया रहेगा, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिस पे आपका ओटीपी आया था, वही मोबाइल नंबर आपको फिर से डालना है। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपका जो है वो आपको ईमेल आईडी भी डालना है। उसके बाद दोस्तों परमानेंट एड्रेस डालना है और दोस्तों परमानेंट एड्रेस के बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड का जो नंबर है, आधार नंबर है वो आपको फॉर्म पे वहां पे आपको फिल करना है। उसके बाद क्लास का रोल नंबर, जो दोस्तों आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसमें जो आपका क्या रोल नंबर है, अगर आपको वो नहीं पता है तो आप जो एडमिशन लिए होंगे तो आपको एक रसीद दिया होगा, उस रसीद पे आपको आपके क्लास का रोल नंबर दिया गया है, वो आप देख के वहां से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फोटो और सिग्नेचर रहेगा, ये सब आपको फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन सबसे जो ज्यादा बदलाव हो गया दोस्तों वो समझिए कि फी में बदलाव कर दिया गया है। पहले आपको फी बहुत ही कम आपको शो कर रहा था, 300, 350 रुपया प्लस गेटवे चार्ज करके आपको हो गया था, कुछ ऐसा आपको पहले शो कर रहा था। लेकिन दोस्तों अभी जो बदलाव हुआ है वेबसाइट में उसमें से आपको जो चेंज हो गया है बहुत ही ज्यादा पैसा आपको बढ़ गया है। पैसा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ये इस पे निर्भर करता है, क्योंकि पहले आपको 300 से 500 रुपया हो गया था, लेकिन अब जो आपको फी लगने वाला है दोस्तों वो आपको यहाँ पे हम जो देखे हैं उसमें आपको ईबीसी कैटेगरी के लिए, जो दोस्तों ईबीसी कैटेगरी के लिए जो आपको फी दिखा रहा है आपको 1130 रुपया प्लस आपको गेटवे चार्ज लगने वाला है। 1130 रुपया प्लस गेटवे चार्ज आपको लगने वाला है आपके फॉर्म फिलअप करने में। वहीं दोस्तों अगर जनरल के बारे में बात करें तो जनरल को भी लगभग 1200 रुपया के आसपास लग सकता है प्लस गेटवे चार्ज, और अगर आप साइबर से करवाते हैं तो साइबर का भी चार्ज आपको फिर अलग से लग जाएगा। अगर वहीं एबीसी की बात करते हैं तो एबीसी का जो दोस्तों देख लिए होंगे 1130 रुपया है। अगर वही बात करें तो बीसी के बारे में दोस्तों, तो बीसी का जो चार्ज है वो आपको 950 रुपया आपको चार्ज है प्लस गेटवे चार्ज है। अगर साइबर से करवाते हैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इतना सब करने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे आप एक अपडेट का ऑप्शन दिया गया होगा, उस पे अपडेट पे आपको क्लिक करना है। उस अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको आय का प्रक्रिया आपको वहां पे ओपन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आप लोग का इंटरफेस आपको देखने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बदलाव हुए हैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में ये सारे जानकारी आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है या अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कठिनाई होती है तो आप मुझे यथाशीघ्र आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मिथिला यूनिवर्सिटी संबंधित हर एक छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।